अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ। आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आज हम आपको बताएंगे 1:5 यूरो टू सीजी, जो 1:5 होता है उसका पेट्रोल किस तरह सेट करते हैं और उसकी पेट्रोल की सेटिंग कैसे होती है, और ये आज आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बतानी है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। अगर YouTube पे हमारे कुछ नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम को बचाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम हमारे पास एक यूरो टू हुंडा 1:5 खड़ा है। ये पेट्रोल सेटिंग अभी इसकी करेंगे। इससे पहले वीडियो मज़ीद शुरू करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहले इसकी हम रेस तेज़ कर लेंगे, जो RPM 1250 रखेंगे। इसकी रेस तेज़ करके जो ये नीचे वाला मिक्सचर पेच है, इसको अभी हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, लूज़ करेंगे। जब इसकी रेस एक जगह तेज़ हो जाएगी वहाँ इसको छोड़ना है। जब इसकी पेच को टाइट करेंगे, इसका हवा का दबाव कम हो जाएगा। अगर इसको पेच को लूज़ करेंगे, इसका हवाओं का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। अभी टाइम को बचाते हुए आपको बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आगे आपको प्रोसेसर बताते हैं इसका किस तरीके के साथ आप खुद भी इसका पेट्रोल सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको बाइक को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी जो रेस है वो तेज़ करें। ये दोस्तों इस टाइम इसकी रेस तेज़ हो चुकी है। अभी ये नीचे मिक्सचर पेज लगा हुआ है। अभी इसकी रेस तेज़ होना शुरू हो गई है, हवा का दबाव ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों इस टाइम इसकी देख सकते हैं रेस ज़्यादा हो गई है। अभी इसकी दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसकी रेस हमने तेज़ की थी, इधर इसकी मिक्सचर को हमने ढीला किया, इसकी रेस मज़ीद तेज़ हो गई है, हवाओं का दबाव ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसका इधर पेट्रोल बिल्कुल सेट है। अभी हम जो RPM इसकी स्पीड है, लेवल होता है, उसको डाउन करेंगे, इसको स्लो खड़ा करेंगे। दोस्तों देखा जिस तरह आपने कि जो मिक्सचर पेज होता है इसका, वो पहले आप इसको जो रेस तेज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो मिक्सचर पेज नीचे लगा होता है कार्बोरेटर के, उसको पहले थोड़ा सा लूज़ करेंगे, फिर उसको दोबारा टाइट करेंगे। जिधर हवा का दबाव ज़्यादा होता है उधर बाइक आपका ज़्यादा रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेट्रोल सेटिंग उधर बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी होती है। ये इतना आसान था पेट्रोल 1:5 का यूरो 2 का सेट करना। वियर, जिस तरह के आपको पता है कि जो ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर होते हैं उनका इससे थोड़ा मुख्तलिफ हिसाब होता है कि उसको पेज टाइट करने से जो है पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है, लूज़ करने से कम हो जाता है। CG 1:5 जो यूरो 2 है इसका सिस्टम थोड़ा सा और है। इसका पेज टाइट करेंगे, पेट्रोल कम हो जाएगा, खोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वियर, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी 1:5 का पेट्रोल किस तरह आप खुद भी घर के अंदर आसानी से इसका सेटिंग में ला सकते हैं। मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपके पास जल्द लेके जल्द आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।